बात उन दिनों की है जब लोग अपने बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुओं के आश्रम में भेजा करते थे। बालक वरदराज जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने भी उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक आश्रम में भेजा। आश्रम में गुरुजी ने अन्य बालकों के समान ही वरदराज को भी पढ़ाना प्रारंभ किया। वरदराज आश्रम में रह तो रहा था लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरुजी ने उसे तरह तरह से पढ़ाना और समझाना चाहा लेकिन उसे कुछ भी समझ न आता था। गुरुजी जो कुछ पढ़ाते उसे वह याद ही नहीं रख पाता था। उसकी ऐसी स्थिति देखकर आश्रमवासी बच्चे उसे मंद बुद्धि कहकर चढ़ाने लगे। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उसके सहपाठी उससे आगे बढ़ते गए पर वरदराज वहीं का वहीं, वह कुछ भी विशेष न सीख सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ ही गए, जो बाद में आए वे भी उसे पीछे छोड़ आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी भी हार मान गए। निराश होकर उन्होंने वरदराज से कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूं कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं है। जितना प्रयत्न मुझे करना था उतना मैंने किया, पर मुझे लगता है कि विद्या धन तुम्हारे भाग्य में नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहां का काम काज देखो। वरदराज असमंजस में पड़ गया। गुरुजी के मना करने के कारण उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा। उसे यह चिंता भी सताने लगी कि घर लौटने पर उसके पिता क्या सोचेंगे, गांव के लोग भी उसे मूर्ख महामूर्ख कहकर दुत्कारेंगे। वरदराज करता भी तो क्या, उसने अपना सामान समेटा, गुरुजी के चरण छुए और वह भारी मन से विदा हुआ। वह उदास होकर अनमने भाव से चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। कहां जाए, क्या है? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सवेरे चला था और अब दोपहर हो आई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सत्तू दिया था, उसे भूख प्यास भी लगाई थी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से कुएं की जगत पर निशान पड़ गए हैं और मिट्टी के घड़ों को रखने से जमीन पर गड्ढे पड़ गए हैं। यह दृश्य वरदराज के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंध गया। उसने विचार किया कि जब रस्सी की बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो क्या लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता। बस फिर क्या था, वरदराज के मन में आशा की किरण जगी। वह बुदबुदाने लगा, मैं भी लगातार परिश्रम करूंगा, अपने पाठों को मन लगाकर बार बार पढ़ूंगा और उन्हें याद करूंगा, फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। वरदराज ने कुएं पर हाथ मुड़ा और गहरी सांस लेकर आगे की ओर बढ़ा। अब वह सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त था, इतना कि उसे भूख प्यास की भी चिंता नहीं रही थी। वह तेज कदमों से चल रहा था। अब वह दूसरी ही तरह का वरदराज था। वह घर की ओर नहीं बल्कि आश्रम की ओर लौट चला था। सूर्यास्त होने को था। गुरुजी आश्रम की वाड़ा में टहल रहे थे, तभी उन्होंने वरदराज को आते हुए देखा। उन्हें लगा कि शायद आश्रम में कुछ छूट गया हो जिसे लेने वह लौटा है। वरदराज ने गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा कुछ सामान छूट गया जिसे लेने तुम्हें लौटना पड़ा? वरदराज नम्रता पूर्वक बोला, हाँ गुरुजी, मेरी विद्या यही छूट गई है जिसे इस बार मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा।
अब कभी आपको निराश होने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पसीज गया। उन्होंने वरदराज को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी। गुरुजी ने इतना भर ही कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो यदि उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वरदराज ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहां गुम हो गई थी। वह देर रात तक पढ़ता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाता। उसने दिन रात एक कर दिए। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो पाठ याद करना उसे पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन लगता था, अब वही सरल लगने लगा था। गुरुजी और अन्य बालक वरदराज में आए, इस परिवर्तन को देख आश्चर्यचकित रह गए। अब वरदराज की जिंदगी प्रतिभावान बच्चों में होने लगी। यह उसकी लगन और कठोर परिश्रम का ही चमत्कार था। जानते हो, यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान पाणिनि के बाद वरदराज का ही नाम आता है।